नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, उसके साथ साथ अपने नोट्स को मेरे साथ बनाते हुए चल रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको इसी चीज के लिए फोर्स करूंगा, जो आपके नोट्स हैं वो आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। नोट्स आप जितना प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। खैर, अब आप लोग हमसे ज्यादा ही समझदार हैं, आप लोग नोट्स बनाते होंगे मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम है, करना नहीं है, सेलेक्ट होना है। करते तो सब हैं, सेलेक्ट होना है। कल ही क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव बताया था, उसके नाम कैसे कैसे क्या क्या नाम हुए उन सब बारे में बताया था, रीजन क्या है कि कैसे देशी मत और स्वदेशी और विदेशी मतों के बारे में बताए थे। अब जो खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय तो हमने डिस्कस कर लिया, उनके नामकरण के भी हमने प्रतिद्वंद्वता जो थी, तमाम मतभेद थे, वो भी बता दिए, लेकिन इस सभ्यता का विकास होगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बात को सुनिएगा, कभी कभार क्या होता है कि कई सारी चीजें हम लोग लेक्चर में देते हैं, लेकिन लिखते वक्त हो सकता है एक आध दो पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है, पर आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए। जब हम लोग, मतलब मैं जब पढ़ता था तो हमेशा पीछे की सीट पे बैठता था और सिर्फ लेक्चर ध्यान देता था कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वगैरह नहीं किया, सिर्फ लेक्चर सुनता था और फिर खुद पढ़ता था कि हाउ वी कैन इंप्रूव माई सेल्फ। अ सिंगल मैन कांट इंप्रूव यू टिल यू विल नॉट वर्क फॉर यू, याद रखिएगा। खैर, अब मुद्दा यह होता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था, इसका उद्भव हुआ, इसका नामकरण हुआ, लोग कहीं कहीं से आए, तमाम चीजें, एक लाइन मैंने अभी जस्ट बोली, लोग कहीं कहीं से आए। जब तक लोग आएंगे नहीं, संस्कृति नहीं आएगी, और संस्कृति नहीं आएगी तो सभ्यता का विकास कैसे होगा। सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं। एक सभ्यता में कई संस्कृतियों के लोग रह सकते हैं, और जब कोई संस्कृति किसी स्थान पर काफी दिन तक रहती है और रहते रहते वो संस्कृति एक दृढ़ अवस्था ले लेती है तो वो सभ्यता हो जाती है। परंतु संस्कृति के नष्ट होने से सभ्यता का विनाश नहीं होता है, और सभ्यता का विनाश होने से संपूर्ण संस्कृति का ही विनाश माना जाता है। तो हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता को अगर एक तरफ एक मिनट के लिए हम साइड रख दें, हम अपनी बातें करें, हमारा भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन हमारे भारत में ही हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के, दक्षिण भारत चले जाइए तो दूसरे प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, प्रवृत्ति के साथ साथ उनके शरीर की बनावट, उनके बात करने का तरीका। उत्तर भारत में चले जाइए फिर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, पूर्वी भारत जाइए, पश्चिमी भारत जाइए, मतलब हमारे देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के लोग मिलते हैं। अब हुआ क्यों, ऐसा आया क्यों? एक बार किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ज्ञान वो नहीं है जो तुम्हें क्लास में मिलता है, ज्ञान वो नहीं है जो तुम्हें किताब में मिलता है, ज्ञान वो है जो तुम चलते वक्त सोचते हो। फैक्ट, ये बात सही है। जो भी चीजें हैं अगर हम उसको रोज देखें और उसके बारे में अध्ययन करें तो हमारा ज्ञान तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस बात को सोचा, और खुद एक मेरे मेंटेलिटी दिमाग का उदय है, थोड़ा सा टेक्निकल हूं तो टेक्निकल बैकग्राउंड का हूं तो थोड़ा सा उदय है दिमाग का, समझिएगा कोई गलत नहीं कर पाया। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग इतने अलग अलग तरह के क्यों हैं यार। मैं इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखिए, इंग्लैंड देखता हूं तो एक ही तरह के लोग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं तो एक ही तरह के लोग दिखते हैं, वेस्ट इंडीज को देखता हूँ, अफ्रीका को देखता हूँ, जापान को देखता हूँ, तो वहाँ सब यार सब देश में एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन हम अलग अलग हैं, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल। तो पढ़ने के बाद, जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया सिविल के लिए, तो पढ़ने के बाद ये पता चला कि हमारे हड़प्पा सभ्यता का उदय विभिन्न महाद्वीपों से आई हुई जातियों के कारण हुआ है। जो महत्वपूर्ण चार जातियां भारत आई वो थी प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइट्स। ये चारों अलग अलग देश से आए या द्वीप से आए, और इनकी अलग अलग विशेषताएं थी। इन्हीं विशेषताओं का आज मैं आपको अध्ययन कराते हुए अपने बारे में आपको परिचय कराता हूं। चलिए थोड़ा सा मजे से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, मानना क्या है,
कुछ ऐसा कर लेते हैं। समझिए हमारा देश है ये भारत, प्यारा सा भारत, और भारत के हमने दो हिस्से कर दिए, उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया के ऊपर यहां एक महाद्वीप पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरोप। बात को समझते जाइएगा धीरे धीरे, इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, मैं खुद कह रहा हूं अभी तक नहीं कह रहा। यहां पर एक महाद्वीप पाया जाता है जिसे अफ्रीका कहते हैं, नीचे की तरफ। यहां एक महाद्वीप पाया जाता है जिसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, और यहां पर एक देश है जिसको जापान कहते हैं। अलग अलग, अलग अलग जगह अलग अलग। यूरोप में जो जाति पाई जाती है दोस्तों, उसको मंगोलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलाइड्स। अब किताबी भाषा में आप पढ़ेंगे इनकी औसतन हाइट 5.8 फीट से 6.8 फीट। गोरिना सीधा क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे आप। इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखिए, लंबे होते हैं, ठीक, लंबे लंबे होते हैं, मीन्स 5.4 से 6.2 तक इनकी औसतन हाइट आप देखेंगे। गोरे होते हैं, छर्रे होते हैं। छर्रे कहने का मतलब चेहरे में किसी प्रकार का दाग नहीं होता है। उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व पे शासन करने वाला देश यूरोप ही था, मतलब इनके अंदर राजनीति प्रवृत्ति है। सबसे ज्यादा मेहनती देश कौन सा है? यूरोप है, मतलब इनके अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति है, और इन्हीं के अंदर शासन करने की भी प्रवृत्ति है। किसके ऊपर? यूरोप के। तो हमने क्या क्या कहा? इनकी औसतन हाइट 5.2 फीट से 6.2 फीट होती है, या 5.4 कर लीजिए। गोरे होते हैं, छर्रे होते हैं। इनको आप कभी ना हम �से कपड़े पहनते नहीं देखेंगे, शर्ट का 3 बटन खुला है, शर्ट बाहर है, ये देश टाइप, शाहरुख खान टाइप नहीं। इनके जब भी कपड़े पहनने का जो होता है एक वेल फॉर्मल ड्रेस अप, अगर ये टी शर्ट भी पहनते हैं तो वो जिनके पैंट के अंदर रहता है और ये फॉर्मल ड्रेस अप में रहते हैं, ठीक। छर्रे होते हैं। सबसे पहला उदारीकरण जो हुआ यूरोप में हुआ। संपूर्ण देश पे शासन किसने किया? यूरोपियों ने किया। और सर्वाधिक मेहनती भी कौन होते हैं? यूरोपियों। इनको ही लीव कर देते हैं। दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के भी कुछ देश, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ देश हैं जिनमें कई सारी समानताएं हैं। यहां जो जाति पाई जाती है उसको भूमध्य सागरी कहते हैं। यहां पे नीग्रो लोग पाए जाते हैं। नीग्रो मतलब लंबे लंबे काले काले आंख, नाक बड़ी बड़ी होती है, जैसे पुलाड को देख लीजिए या कीनिया के प्लेयर्स को देख लीजिए, ठीक है, या जैसे आप रसल को देख लीजिए, ऐसे टाइप के लोग यहां पाए जाते हैं। तो यहां के लोग काले अर्थात निग्रो होते हैं। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो जाति पाई जाती है उसको प्रोटो ऑस्ट्रलाइड कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देखिए आप, जैसे रिकी पॉन्टिंग को आज देख रहे होंगे या ब्रिटली को आज देख रहे होंगे, आज से 20 साल पहले भी वो ऐसे ही दिखते थे। मतलब इनके शरीर में किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं देखेंगे। इनके शरीर के नाक, नक्श, चेहरे सब सेम प्रकार के रहते हैं। तो मतलब क्या है कि ये गोरे भी होते हैं, इनकी बॉडी की स्केल की तरह होती है, इनके शरीर में किसी प्रकार का वैसा परिवर्तन नहीं मिलता है जैसे हमारे क्या कि 25 साल का लड़का पार हुआ तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी, 40 साल का पार हुआ तो लोग उसको दादाजी कहने लगे। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ शरीर की जो बनावट है, अगर ये उम्र नहीं बताएंगे तो वो बनावट हमेशा बरकरार रहती है। जापान, जापान में छोटे लोग पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिनकी आंखें छोटी होती हैं।
उसके साथ साथ कुंग फू, मार्शल आर्ट, मारपीट, ये सब तमाम चीजों में जो एक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं? जापान के होते हैं। अब कुछ कर नहीं रहे हम, किताबी भाषा को नहीं, हम चीजें आपको समझा रहे हैं। यहां से ये आए, यहां से ये आए, मिले, उत्तर भारत का उदय हुआ। इसलिए आप देखिए उत्तर भारत में कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की आंखें बड़ी बड़ी, किसी की आंखें छोटी छोटी। सबसे ज्यादा मेहनती लोग उत्तर भारत, बात बात पर झगड़ा करने वाले उत्तर भारत में, नेता सबसे ज्यादा बनने वाले, दूसरे पे शासन करने की भावना रखने वाले उत्तर भारत में। सेम चीज यहां आते हैं, ये आए, ये आए, ये मिले और दक्षिण भारत का उदय हुआ। दक्षिण भारत के विलन्स को देख लीजिए, गुंडों को, लंबे चौड़े होते हैं, भयानक टाइप के। उनके हीरो को देख लीजिए, आप दक्षिण भारत के किसी भी हीरो को देखिए, उनकी बॉडी हर मूवी में एक ही प्रकार की रहती है। वो आपके सलमान खान और आमिर खान की तरह अपनी बॉडी को फुला पचका नहीं सकते, क्योंकि वो क्वालिटी ही नहीं डेवलप है उनमें। ये मतलब क्या कि हड़प्पा के साथ साथ आज भी जो हम हैं या जो आज भी हमारे शरीर में परिवर्तन है, वो जलवायु के साथ साथ दूसरे देश से आए हुए लोगों के कारण हुआ है। और इसमें जो सबसे पहले आए, सबसे पहले आने वाले जो थे वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और सर्वाधिक मात्रा में जो आए वो थे भूमध्य सागरी, जिनको क्या कहा गया, द्रविड़ कहा गया। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में यूरोप से मंगोलाइट्स, जापान से अल्पाइन, अफ्रीका से भूमध्य सागरी और ऑस्ट्रेलिया से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जातियां भारत आई थी, जिनमें सबसे पहले आने वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे और सर्वाधिक मात्रा में आने वाले कौन थे, भूमध्य सागरी थे, जिनको द्रविड़ कहा गया। इसको बनाना चाहे तो बना लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। चलिए आप समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं तैयारी करने जाते हैं, एकदम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं। मान लीजिए आप कहीं तैयारी करने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, रूम खोजते हैं। वेरी गुड, रूम खोजेंगे, रूम खोजेंगे आप जो कि ऑलरेडी यहां बना हुआ है। तो हड़प्पा में भी अलग अलग देश से अलग अलग लोग रहने आ रहे हैं, तो ये रहने आ रहे हैं ये तो रूम खोजेंगे नहीं, ये मकान बनाएंगे। और ये जब मकान बनाएंगे तो मकान धीरे 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसे नगर का नाम दिया जाएगा। और चूंकि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, इनकी मकाने कच्ची ईंटों की थी, सॉरी इनकी मकाने पक्की ईंटों की थी, सड़कें बनाए थे अच्छा खासा कच्ची ईंटों के, यही रीजन है कि इनकी जो सभ्यता थी इनमें मकान बनते थे, सड़कें बनती थी, तमाम चीजें नगर की तरह व्यवस्थित रहती थी, जल निकासन प्रणाली उत्तम अवस्था में रहती थी। इसीलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति या हड़प्पा नगरीय सभ्यता कहा गया। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, हड़प्पा नगरीय सभ्यता। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए। इमेज के द्वारा भी मैं चीजें आपको अभी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आराम से पढ़ते हैं, आराम से लिखते हैं। हड़प्पा जब खुदाई होना चालू हुई, समझ लीजिए आप समय हम लोग खुदाई कर रहे हैं हड़प्पा की, हड़प्पा की जब खुदाई होना चालू हुई तो देखा गया कि इनके जो मकान मिल रहे हैं बहुत लाजवाब ढंग से बने हुए हैं। मतलब ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पुरानी नगरीकरण व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को अगर हम सबसे अच्छे रूप में देख सकते हैं तो वो हम मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो को खुदाई में उसको इतनी उत्कृष्ट अवस्था में पाया गया है कि नगर नियोजन जो हड़प्पा, यहां हड़प्पा माने में जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, हड़प्पा माने चैप्टर का नाम ले रहा हूं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का अगर देखना है हड़प्पा सभ्यता के, तो सबसे उत्कृष्ट नगर नियोजन देखने को मिलता है मोहनजोदड़े। मोहनजोदड़ो में क्योंकि विशाल अन्नागार पाया गया, ये सारी चीजें मैं कॉलम में आपको लिखवाऊंगा और इसके बाद मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के एक साथ। तो यहां बात समझिए,
क्योंकि विशाल स्नानागार, अन्नागार, ठीक है, और उसके साथ साथ सड़कें यहाँ की पक्की ईंटों की थी, जबकि जनरली सड़कें कच्ची ईंटों की बनती थी। यहाँ पर एक सबसे चौड़ी सड़क पाई गई जिसको राजपथ नाम दिया गया है, ठीक, और जनरली सड़कें 3 मीटर की और गलियां 1.2 मीटर की होती थी। तो ये हड़प्पा का, अगर हड़प्पा के में, हड़प्पा सभ्यता में अगर हम मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को हमें दिखाता है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहीं से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के मकान थे वो दो भागों में बटे थे, एक था पश्चिमी टीला, दूसरा था पूर्वी टीला। कैसे, आपको मैं थोड़ा सा इमेज दिखाता हूं, यहां थोड़ा सा देखिए, फिर जो इमेज देखना है यहां देखिए। देखिए ये मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन है, आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, एकदम दिमाग बैठा लीजिए, ये मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन है। ये देखिए, ये पश्चिमी टीला है, ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये पूर्वी टीले हैं, ठीक है, जो कि उसकी तुलना में नीचे पे बने हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज अगर और नोटिस कर सकते हो यहां पे कि इसका जो एरिया है, मतलब पश्चिमी टीले का जो एरिया है वो पूर्वी टीले से कम है। मतलब जो पश्चिमी टीला बनता था वो क्या है, उसका जो एरिया मतलब क्षेत्रफल है वो पूर्वी टीले से कम क्षेत्रफल है। उसके साथ साथ ये ऊंचाई पर बना होता था और यहां पे अन्नागार, स्नानागार, ये तमाम चीजें पाई जाती थीं, और इसीलिए इसके चारों तरफ, ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करूं तो यहां समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर आप देखिए, ये देखिए बाउंड्री की हुई है, ध्यान से देखिएगा इमेज, बाउंड्री की, बाउंड्री मतलब क्या है कि ये जो पश्चिमी टीला है इसको ही सुरक्षा भी प्रदान करते थे, ऊंची ऊंची दीवारों से घेर के रखते थे, इसीलिए कहा जाता था पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत है, अर्थवा रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। उसी की तुलना में हम सामान्य टीले पे आते हैं तो यहां पर किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं मिलती है। देखिए सड़कें हैं, सड़क के किनारे सब मकान बने हुए, लेकिन एक चीज यहां और देखिए, मकानों में छत भी नहीं पाए गए हैं, परंतु देखिए सीढ़ियां पाई गई हैं, ठीक है, सीढ़ियां पाई गई हैं लेकिन मकानों में छत नहीं पाए गए हैं। तो यहां से ये अनुमान लगता है कि जो यहाँ की क्या कहते हैं छतें हैं वो लकड़ी से ढकी होती थी, क्योंकि बहुत सालों से नीचे दबी हुई हैं तो एक ही तल्ले के मकान पाए गए हैं, लेकिन सीढ़ियों की उपस्थिति से इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर एक दो तल्ले और बनते होंगे, तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ले का मकान बनता होगा, लेकिन छत के साक्ष नहीं मिले। लेकिन भाई बिना छत के घर का क्या काम, तो छत जनरली लकड़ियों से ढके होंगे। तो इस प्रकार के मकान हड़प्पा सभ्यता में बनते थे, दो प्रकार के, एक पश्चिमी टीला होता था और दूसरा पूर्वी टीला होता था। अब इमेज के बाद हम चीजें आपको क्लियर करते हैं पढ़ाकर। तो हमने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान है ये दो भागों में बटे होते थे, एक होता था पश्चिमी टीला, दूसरा होता था पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था वो ऊंचाई पर बना होता था, ठीक, उसके साथ साथ वो क्या था कि उसका क्षेत्रफल पूर्वी टीले के मुकाबले कम होता था, और वो चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होता था, मतलब रक्षा प्राचीरों से घिरा होता था, मतलब वो क्या होता था, दुर्गीकृत होता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहीं पर अन्नागार, स्नानागार चीजें पाई गई। और उसके साथ साथ क्या है, जो पूर्वी टीला है वो पश्चिमी टीला से कंपेयर करेंगे तो वो उसकी ऊंचाई पर नहीं बना होता था, उसमें क्या है नगर नियोजन थे, मतलब मकान थे, मतलब यहां पर आम जनता, रईस लोग रहते होंगे, और उसके साथ साथ ये हिस्सा क्या था, दुर्गीकृत नहीं था। तो लेक्चर को लिखते हुए प्रारंभ करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मकान दो भागों में बटे थे, पहला है पश्चिमी टीला,
यह हिस्सा ऊंचाई पर बना होता था। पहली चीज, ठीक, यह हिस्सा चारों तरफ से दीवारों से, इसको हम दुर्गीकृत भी कह सकते हैं, ठीक, इसके साथ साथ इसको हम रक्षा प्राचीर भी कहते हैं। तो यह हिस्सा चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ होता था, ठीक, मतलब क्या होता था, दुर्गीकृत होता था। अन्नागार स्नानागार सब यहीं पाए गए। अब यहीं पर एक चीज सामने निकल गया, इसकी एक चीज लिख देते हैं, इसका क्षेत्रफल कम होता था, ठीक, लीव करिए। हमारे यहां से एक चीज और निष्कर्ष निकल के आता है, क्या निकल कर आता है कि आप ये समझिए कि जो राजा महाराजा रहते हैं, एक बात समझिए कि सब भाई लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो सब इतिहासकार अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, उनकी बातों को मान लिया जाता है। तो यहां पर भी एक चीज मैं आपसे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि यूपीएससी, देखिए आप भले टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें छोटे एग्जामों से भी मिल जाती हैं। जैसे यूपीएसआई में एक सवाल आया था, जो एग्जाम हुआ था, कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसे कहा गया। गढ़, जनरली गढ़ जो शब्द प्रयोग होता है, गढ़ जो है ऐसा शब्द है जहां पर राजा लोग रहते हैं, और राजा लोग अक्सर महल में रहते हैं, और जो महल होता है वो महल को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा हुआ रहता है, जो कि महल दुर्गीकृत होता है। इसीलिए यहां पर उन सारी बातों की जो बातें हैं पूरी हो रही हैं, इसीलिए पश्चिमी टीले को गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़, याद रखिएगा। दूसरा जो हिस्सा होता था वो होता था पूर्वी टीला। यह हिस्सा निचले जमीन पर बनता था, और दुर्गीकृत नहीं होता था। यह सामान्यता नगर नियोजन था, मतलब नगर था, जहां सामान्य और रईस लोग रहते थे, ठीक, लिख। आप लिखना चाहें तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे पश्चिमी टीले से स्नानागार, ठीक है, अन्नागार, मतलब ये सब विशाल भवन पाए गए हैं,
यहां से रियासती भवन और व्यापारिक भवन पाया गया है, लिखवा दे रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए, तो यहां पर बातें क्या निकल के आई कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये दो भागों में बटे थे, एक पश्चिमी टीला था और दूसरा पूर्वी टीला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत था लेकिन पूर्वी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। अब इसमें भी अपवाद मिलते हैं, सवाल जो बनेंगे आपको अपवाद से मिलेंगे। इसमें अपवाद देखिए, जो मोटा मोटी अपवाद है वो आपको बता दे रहे हैं, उनके साथ साथ और भी जो स्थान है उनको हम चार्ट में आपको बता देंगे। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अधिकतर क्षेत्रों के पश्चिमी टीले कैसे पाए गए, दुर्गीकृत पाए गए, पूर्वी टीले दुर्गीकृत नहीं पाए गए। लेकिन कालीबंगा का दोनों हिस्सा दुर्गीकृत पाया गया, पहला अपवाद। कालीबंगा का पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सा दुर्गीकृत था। कैसे, याद है, ये है कालीबंगा, ये है कालीबंगा, समझिएगा। ये जो आपको इमेज दिखा रहे हैं हम, ये कालीबंगा का नगर नियोजन है। इसका देखिए पश्चिमी हिस्सा भी और पूर्वी हिस्सा भी, ठीक है। अब इसको, ये एक्चुअली पश्चिमी है, ये पूर्वी है। ये इमेज ऐसे लिए, अगर अब इमेज को ऐसे हम रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो ये पूर्वी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा। पर मैं यहां पे आपको पश्चिमी पूर्वी नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां जो चीज दिखाना चाह रहा हूं ये है कि ये जो कालीबंगा का नगर नियोजन है, ये कालीबंगा के मकान है, इसका आप देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसका ये हिस्सा भी देखिए दुर्गीकृत है, देखिए हाँ, और ये हिस्सा भी दुर्गीकृत है, पश्चिमी हिस्सा भी। तो मतलब अपवाद में कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है जिसका पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सा अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है, मतलब अलग अलग दीवारों से सुरक्षित है। तो पहला अपवाद, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगले अपवाद पे आते हैं, लोथल और सुरकोतड़ा, समझिएगा। लोथल और सुरकोतड़ा दोनों एक बंदरगाह है। लोथल और सुरकोतड़ा का पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सा एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है, मतलब कालीबंगा का पूर्वी हिस्सा अलग प्रकार के रक्षा प्राचीरों से, पश्चिमी हिस्सा अलग प्रकार के रक्षा प्राचीरों से, लेकिन लोथल और सुरकोतड़ा का दोनों हिस्सा एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीरों से क्या है, घिरा हुआ है। तो जो अगला अपवाद आता है वो है लोथल और सुरकोतड़ा का दोनों हिस्सा एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ। अब आपके दिमाग में चला होगा कैसे, तो वो हमें भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए,
ये है लोथल। देखिए यहाँ पे नाव वगैरह इमेज में दिख रही है आपको, मतलब ये वो है बंदरगाह है, नाव वगैरह दिख रही है तो, लेकिन अभी हमको नाव से मतलब नहीं है। देखिए पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्सा, ठीक, पश्चिमी हिस्सा ये है पूरा, बात को समझने का दोस्तों थोड़ा प्रयास करिए, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा एक साथ बने हुए हैं। यहां पर जो मैं आपको समझा जाता हूं, ये देखिए इसके पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं, मतलब जैसे कालीबंगा में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा अलग अलग दुर्गीकृत था, इसमें क्या है कि जो पश्चिमी है पूर्वी है दोनों एक ही दीवारों से क्या है घिरा हुआ है। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं। सभी सभ्यताओं में चन्हुदड़ो एक ऐसी सभ्यता है जिसका कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है, उसके साथ साथ कोट दीजिए भी आगे बताएंगे, लेकिन चन्हुदड़ो का ना तो पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत है और ना ही पूर्वी हिस्सा दुर्गीकृत। तो अगला पॉइंट, चन्हुदड़ो का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं। अब आते हैं अपने अगले सिस्टम पे। एक चीज आपने पढ़ा और मैंने बताया भी कि हड़प्पा सभ्यता के मकान दो भागों में बटे थे, मतलब एक हिस्सा पश्चिमी हिस्सा दूसरा पूर्वी हिस्सा। यहां पर सबसे बड़ा अपवाद आता है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा में दो प्रकार के नहीं तीन प्रकार के मकान पाए गए हैं। तो अगला जो आपका अपवाद निकलकर सामने आता है वो क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा से तीन प्रकार के मकान के साक्ष पाए गए। यहां देखिए ये है धौलावीरा, इसमें कैसे बनाया गया है, देखिए एक सेंटर फिर ऐसे छोटे छोटे फिर छोटे छोटे। देखिए यहां पर तीन प्रकार के मकान मिल रहे हैं धौलावीरा इमेज में। देखिए ये आपका हो गया पहला, ठीक, जिसमें ये देखिए क्रीड़ागार, स्टेडियम, जल संरक्षण प्रणाली ये सब पाया गया है। ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक। यहां देखिए तो हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार के मकान मिले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, लेकिन धौलावीरा में, ये धौलावीरा का इमेज है, धौलावीरा में तीन प्रकार के मकान आपको पाए गए। तो जो अगला अपवाद आपका हुआ वो क्या हुआ, धौलावीरा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कैसे इनके मकान वगैरह बनते थे। अच्छा अपवाद लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। आइए अब क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे चौड़ी सड़क 9.15 मीटर की मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसको राजपथ नाम दिया गया, और सहायक सड़कें जो हैं वो 3 मीटर की हैं और जो पीछे की गलियां हैं वो 1.5 मीटर की हैं, कहीं कहीं 3 मीटर मिलता है। लेकिन जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो जो चौकोर भूखंड निकलता था उसी पे मकान बनता था। जैसे यहां समझाते हैं, ये राजपथ है मान लीजिए मोहनजोदड़ो का, सिर्फ आप देखिए सहायक सड़कें हैं, ऐसे ही समझिए भाई, मेन रोड तो एक तो होवे करेगा ना। ठीक,
मतलब जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इस सड़क को जैसे मान लीजिए ये सहायक सड़क है 3 मीटर की और ये गली है, तो ये देखिए जो भूखंड निकल रहा है बीच में, ये सहायक, ये मुख्य सड़क हो गया, इसको राजपथ नाम दे दिया गया, ठीक है, मोहन जोदड़ो की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको राजपथ नाम दे दिए जो कि सबसे चौड़ी सड़क है 9.15 मीटर की, ठीक। उसके बाद इसकी ये सहायक सड़कें हैं 3 मीटर की और पीछे गलियां हैं, ठीक है। अब हर जगह क्या थी, गलियां रहती थी, गलियां इसलिए रहती थी क्योंकि मुख्य खिड़की दरवाजे गली की तरफ खुलते, तो उस पर बाद में डिस्कस करते। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसमें देखिए ये जो भूखंड चौकोर खंड निकल रहा है सड़कें के समकोण पर काटने से, इसी में ये क्या बनाते थे, मकान बनाते थे, क्या बनाते थे, मकान बनाते थे, ठीक। मुद्दा यह है कि जो सड़कें होती थी, ये सड़कें कच्ची ईंटों की होती थी, किसकी, कच्ची ईंटों की, अभी शांत रहिए, और ये जो मकान होते थे ये मकान पक्की ईंटों के होते थे, ठीक। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप, अभी अपवाद लिखवाएंगे, इसमें अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो पाया गया जहां पक्की ईंटों की सड़क मिली। इनके जो मकान की ईंटें होती थी उसका जो मतलब औसत होता है 4:2:1 होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये जो सड़कें जो ईंटें होती थी वे ऐसे होती थी, ठीक, रेक्टेंगल शेप में जैसे ईंट होता है, इन्हीं ईंटों से, पक्की ईंटों से मकान बनते थे, और सड़कें जो होती थी कच्ची ईंटों की होती थी। और यही नहीं, प्रत्येक सड़कों के किनारे से नालियां गई रहती थी, ऐसे जैसे जाती हैं, और ये नालियां सुरक्षा की दृष्टिकोण से बड़े मतलब ईंटों से ढकी हुई होती थी, किससे, ईंटों से, और जगह जगह पर मैन होल बनता था, मैन होल सफाई के लिए। जैसे देखिए आप जब हमारे यहाँ जो सड़क बनती है आप रोड में देखेंगे तो मोटा सा सीमेंट का मैन होल रखा रहता है जहां से नाली जाम हो जाती है, साफ होती थी। तो यहां पर भी जो नालियां थी वो सड़क के किनारे बनी होती थी जो बड़े बड़े पक्की ईंटों से ढके होते थे और जगह जगह पर मैन होल बने होते थे ताकि इनकी सफाई की जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन से ज्यादा अपने जल निकासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। और इनके जो मकान होते थे वो चौकोर ईंटों के बनते थे जिनका औसत 4:2:1 होता था। सड़कें जोड़ने के लिए मतलब कच्ची ईंट और गारा का प्रयोग होता था, केवल स्नानागार अन्नागार और मकान के लिए जिप्सम और चूना का प्रयोग होता था। सारी चीजें बताते हैं। अब देखिए इस चीज को अगर आप इमेज में देखना चाहते हैं तो आपका इमेज कुछ इस प्रकार आता है। देखिए मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क राजपथ, ठीक। अब ये देखिए सहायक सड़कें हैं, भूख ये गली है, भूखंड निकला है ना, ये देखिए मकान बने हैं, देखिए मकान बने हैं, मकान, ये मकान है, ये गली है, ठीक है, मकान है, मकान है। ऐसे ही क्या होता था, बनता था हड़प्पा सभ्यता का नगर। तो यहां पर अब आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हुए, अगर एक थ्योरिटिकल बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी जो कि कच्ची ईंटों की बनी होती थी और मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां हैं वो सड़क के किनारे बनी होती थी जिनपे जिनको पक्की ईंटों से ढका हुआ होता था, जगह जगह पर मैन होल होता था जहां पर उसको बाद में सफाई कर दिया जाता था। और इसमें अपवाद निकल कर आता है कि मोहनजोदड़ो की सड़कें पक्की ईंटों की पाई गई हैं, कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के पाए गए हैं, ठीक, चणुदड़ो के मकान वक्राकार ईंटों के पाए गए हैं, हर जगह रेक्टेंगल शेप में है, वहां पर चणुदड़ो में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक। इसके साथ साथ कालीबंगा से लकड़ी की नाली पाई गई है ना कि पक्की, और बनवाली से जल निकासन प्रणाली का क्या पाया गया है, अभाव पाया गया है। उम्मीद करता हूं ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपवाद लिख लेते हैं, ठीक, आपको देख लीजिए इतना समझना नहीं, सड़कें जनरली हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो किसकी थी, कच्ची ईंटों की, ठीक है, मकान जो होते थे वो किसके होते थे, पक्की ईंटों के होते थे, ठीक है, नालियां पक्की ईंटों से ढकी होती थी। लेकिन अपवाद स्वरूप जो मिलता है, अपवाद स्वरूप ऐसे आप पाएंगे, फिर से हेडिंग लगाइए अपवाद और लिखिए मोहनजोदड़ो से
पक्की ईंटों की सड़क पाई गई, पक्की ईंटों की सड़क पाई गई। अगला इसी में लिख लीजिए, सबसे चौड़ी सड़क ₹9.5 मीटर की, जिसे राजपथ नाम दिया गया, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों की होती थी, लेकिन कालीबंगा के मकान कच्ची और अलंकृत ईंटों के पाए गए। अलंकृत कहने का मतलब दोस्तों ईंटों पर डिजाइन किया हुआ। और कालीबंगा से लकड़ी की नाली मिली है। ठीक, अगली चीज, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता से ज्यादा जल निकासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट लिखिए, बनवाली से जल निकासन प्रणाली का अभाव पाया गया। लिख लीजिए, चलिए इसको लिखिए फट से। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम नगर नियोजन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि मकानों में गलियां क्यों होती थी। ठीक है, क्या रीजन क्या था गली होने का, उसके साथ साथ किस किस चीजों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता था, तमाम चीजों के बारे में कल, और कृषि के बारे में कल बताएंगे। यहां तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।